गल करिए उत्तराखंड केदारनाथ की, तां हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। जेकर तुसी केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हो, उत्तराखंड जाने का प्लान बना रहे हो, तो इस तो पहला एक खबर जरूर सुन लेना, क्योंकि तुहानू मौके की पूरी जानकारी देने कि किस तरीके का माहौल है। सो तुहानू दस दईए कि हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। उत्तराखंड के विच आए मीह ने जनजीवन प्रभावित किया, सड़क से जमीन खिसकण कारण मलबा और पत्थर डिग रहे ने, चारे पासे हड़ आया होया है, कई थावां ते पानी भरन करके लोगों दी मुश्किलां वध गईआं ने। पानी की निकासी ना होण कारण पहियां दी रफ्तार रुक गई है, यानी लोगों के वाहन तक रुक गए ने। नदियां नाले अते छपड़ा आदि दे विच जो पानी का पद्धर वड्डे पद्धर दे उत्ते वध गया है, हड़ दा पानी घरां तक बढ़न दे लई तैयार है। पानी कारण लोगों के घर लोग अपने जो घर ने घर दीआं छत्तां दे उत्ते रहण दे लई मजबूर हो गए ने। सो तुहानू उत्तराखंड तो यह जानकारी दे रहे हैं। सो रुद्रप्रयाग के केदारनाथ के विच तीन दिन बाद फिर तो लोगों दी मुश्किलां वधदियां हुई नजर आ रही ने। मौसम साफ होने तो बाद सोमवार रात तो ही बारिश शुरू हो गई है। सो केदारनाथ यात्रा के रुकण वाले जो लोग ने वो भी बेहद जो कहा जा सकते कि माहौल दे विच फसे हुए ने, क्योंकि जो मौजूदा जो दरख्त आदि ने वो भी डिगदे हुए नजर आ रहे हैं, जिस कारण जो वाहन ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए ने। सो माहौल की गल करिए तो कुछ इस तरीके का माहौल है कि कई थावां दे उत्ते सड़क भी बंद हो गई ने, जिस कारण हजारा केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु वक्-वक् थावां दे उत्ते फस चुके ने। उत्थे दूजे पासे डिग रहे मलबे हेठा दो लोग दब भी गए ने। सो सूचना मिलन तो बाद SDRF दीआं टीमां मौके दे उत्ते पहुँच गईआं ने अते बचाव कार्य शुरू कर दिते ने। सो सवेरे तो ही जो बड़ी मुश्किल दे नाल जो लोग ने अपने घरां नूं पुज रहे ने, पर लोग बुरी तरह फस चुके ने। जो लोग यात्री ने केदारनाथ जाण दे लई लोग पहुँच रहे सी ओह बुरी तरह फसे होए ने। कई लोग ने जो अपने घर हले तक वापस नहीं परत पाए, कारण यह है कि जो लगातार हड़ का माहौल बनया होया, जिस कारण लोग जो हालात तो बाहर नहीं निकल पा रहे अते उत्थे कई थावां दे उत्ते रुके हुए ने। पर जिस तरीके दे नाल हड़ ने हालात बना दिते ने, इत्थों यह साबित होता है कि हले जेकर तुसी इन्हां पहाड़ी इलाकियां दे वल कूच करन दी सोच रहे हो तां शायद तुहानूं कुछ समां रुकण दी जरूरत है, क्योंकि हालात इस समय उत्तराखंड दे विच बेहद कहा जा सकता है कि घातक बन चुके ने। सो हड़ वाली स्थिति काफ़ी थावां उत्ते देखण नूं मिल रही है, काफ़ी थावां उत्ते बदल भी फटे ने। गल करिए उत्तराखंड केदारनाथ की, तां हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। जेकर तुसी केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हो, उत्तराखंड जाने का प्लान बना रहे हो, तो इस तो पहला एक खबर जरूर सुन लेना, क्योंकि तुहानू मौके की पूरी जानकारी देने कि किस तरीके का माहौल है। सो तुहानू दस दईए कि हालात बेहद गंभीर बने हुए ने। उत्तराखंड के विच आए मीह ने जनजीवन प्रभावित किया, सड़क से जमीन खिसकण कारण मलबा और पत्थर डिग रहे ने, चारे पासे हड़ आया होया है, कई थावां ते पानी भरन करके लोगों दी मुश्किलां वध गईआं ने। पानी की निकासी ना होण कारण पहियां दी रफ्तार रुक गई है, यानी लोगों के वाहन तक रुक गए ने। नदियां नाले अते छपड़ा आदि दे विच जो पानी का पद्धर वड्डे पद्धर दे उत्ते वध गया है, हड़ दा पानी घरां तक बढ़न दे लई तैयार है। पानी कारण लोगों के घर लोग अपने जो घर ने घर दीआं छत्तां दे उत्ते रहण दे लई मजबूर हो गए ने। सो तुहानू उत्तराखंड तो यह जानकारी दे रहे हैं। सो रुद्रप्रयाग के केदारनाथ के विच तीन दिन बाद फिर तो लोगों दी मुश्किलां वधदियां हुई नजर आ रही ने। मौसम साफ होने तो बाद सोमवार रात तो ही बारिश शुरू हो गई है। सो केदारनाथ यात्रा के रुकण वाले जो लोग ने वो भी बेहद जो कहा जा सकते कि माहौल दे विच फसे हुए ने, क्योंकि जो मौजूदा जो दरख्त आदि ने वो भी डिगदे हुए नजर आ रहे ने, जिस कारण जो वाहन ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए ने। सो माहौल की गल करिए तो कुछ इस तरीके का माहौल है कि कई थावां दे उत्ते सड़क भी बंद हो गई ने, जिस कारण हजारा केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु वक्-वक् थावां दे उत्ते फस चुके ने। उत्थे दूजे पासे डिग रहे मलबे हेठा दो लोग दब भी गए ने। सो सूचना मिलन तो बाद SDRF दीआं टीमां मौके दे उत्ते पहुँच गईआं ने अते बचाव कार्य शुरू कर दिते ने। सो सवेरे तो ही जो बड़ी मुश्किल दे नाल जो लोग ने अपने घरां नूं पुज रहे ने, पर लोग बुरी तरह फस चुके ने। जो लोग यात्री ने केदारनाथ जाण दे लई लोग पहुँच रहे सी ओह बुरी तरह फसे होए ने।
कई लोग ने जो अपने घर हाले तक वापस नहीं परत पाए। कारण यह है कि जो लगातार हड़ का माहौल बनया हुआ है, जिस कारण लोग जो हालात तो बाहर नहीं निकल पा रहे अते उथे कई थावां दे उते रुके हुए ने। पर जिस तरीके दे नाल हड़ ने हालात बना दिते ने, इथों यह साबित होता है कि हले जेकर तुसी इन्हां पहाड़ी इलाकियां दे वल कूच करन दी सोच रहे हो तां शायद तुहानूं कुछ समां रुकण दी जरूरत है, क्योंकि हालात इस समय उत्तराखंड दे विच बेहद कहा जा सकता है कि घातक बन चुके ने। सो हड़ वाली स्थिति काफी थावां दे उते देखण नूं मिल रही है, काफी थावां दे उते बदल भी फटे ने।